Present here. This is me from EduMust. Welcome you all. Today I am going to discuss about the strategy of UPPSC GIC lecturer exam. Whose vacancies are announced recently and exam will be held maybe on March. In the March, okay. So in this video we shall discuss the whole strategy that should be for the particular exam. So without wasting one more minute, let's begin with our strategy. Let's start. So the strategy is ki jo aapka paper hai wo divided hai two parts mein. One is general studies and second is subject optional. सो सब्जेक्ट के लिए तो आप अपने अपने सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे और जनरल स्टडीज़ जो कि सबके लिए कॉमन है. ओके, सो जनरल स्टडीज़ में जैसा कि आप जानते होंगे कि इसमें 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और सब्जेक्ट ऑप्शनल का 80 मार्क्स का होगा. तो अभी कंफ्यूजन है कि जनरल सब्जेक्ट जनरल स्टडीज़ को पढ़ें या सब्जेक्ट ऑप्शनल को पढ़ें और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए कि कोई एक अच्छा स्कोर कर पाए. क्योंकि पेपर भी दो ऐसा जैसा कि इन्होंने फर्स्ट एग्ज़ाम में दो पार्ट्स को डिवाइड कर रखा है ऐसे ही आगे इन्होंने पेपर को भी डिवाइड कर रखा है. जैसे कि आप जानते होंगे कि मेंस का एग्ज़ाम भी होगा. सो इसमें कैसे मेहनत करी जाए और कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए. तो 80 मार्क्स जो हैं आपको वो बहुत अच्छे से अचीव करने हैं. ठीक है, उसके लिए तो कोई कसर छोड़िए मत, क्योंकि वो मार्क्स आपके कोई लेके नहीं जाएगा. ठीक है, जनरल स्टडीज़ में किसको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे किसी का मैथ अच्छा है किसी का मैथ नहीं अच्छा है, तो उसके लिए उनको शायद थोड़ी सी हार्डवर्क करना पड़े. क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी है, साइंस भी है, ज्योग्राफी, आई मीन ऑल सारा निचोड़ जो होता है जनरल स्टडी में. करंट अफेयर भी पढ़ना है हमें. ओके, एंड सो हमें सब कुछ ध्यान में रख के चलना है, कुछ भी छोड़ नहीं सकते. और क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, ये कन्फ्यूजन बहुत है. तो जैसा कि जो सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश के बारे में सब्जेक्ट ऑप्शनल में मैं इंग्लिश के बारे में बात करूँगी. ठीक है, और जनरल स्टडीज़ में मैं जो कि सब देख सकते हैं उनके लिए है, लेकिन सब्जेक्ट ऑप्शनल में मैं क्लियर कर दूँ कि मैं इंग्लिश के बारे में बताऊँगी. बिकॉज दिस इज़ माई सब्जेक्ट एंड आई नो वेरी वेल हाउ टू अचीव इट, हाउ टू टारगेट इट. ओके, तो पहले बात करते हैं जर्नल स्टडीज़ की. तो इसके अंदर आएगा क्या क्या, बच्चों का क्वेश्चन है, आएगा क्या क्या इसके अंदर, क्या करेंगे. देखिए, जनरल स्टडीज़ में आपको ये, जैसे कि मैंने बताया, इसमें आपको देगा 40 मार्क्स और इसमें आपको देगा 80 मार्क्स. ठीक है, अभी थोड़ा सा पैटर्न समझ लो. पहले क्या है कि 120 क्वेश्चन आएंगे, राइट. 120 क्वेश्चन में से आपको 120 मिनट मिलेंगे. अब आप बोलेंगे अरे वाह, एक मिनट मिला और एक क्वेश्चन मिला, बट ऐसा नहीं है. एक क्वेश्चन एक मिनट बिल्कुल भी नहीं है. आप अपना जब आप OMR शीट फिल करेंगे, आप देखिएगा 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसको अगर फिल भी करना है मार्क्स को, तो 20 मिनट्स आपके चले गए. दैट 20 मिनट्स आर रिडक्टेड. ओके, सो 20 मिनट रिडक्ट हो गए. अभी अगर आपको मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, और क्वेश्चन को भी कई बार हमें सोचने में, समझने में, पढ़ने में टाइम जाता है, राइट. तो आप क्या करेंगे कि आपके, आपने देखा कि हमारे तो और मार्क्स चले गए. कितने मार्क्स चले गए कि हमारे, अभी आप लगा के चलो कि अगर हम ज़्यादा नहीं तो, अगर हम थोड़ा थोड़ा टाइम भी लगा के चलते हैं, तो मैं लेस मार्क लेके चल रही हूँ. मैंने 20 मार्क्स और रिडक्ट कर दिए. और आप बहुत ब्रिलियंट हैं, तभी भी आप हाफ एन आवर, ये तो आपका ऐसे ही जाने वाला है. ठीक है, अगर आप शार्प लर्नर हैं तो शायद आप कम टाइम भी ले सकते हैं, या कैसा भी हो सकता है. बट एवरेज यही है कि आपके 40 मिनट्स जो हैं इसमें से रिडक्ट हो गए हैं. अब इसमें से 40 मार्क्स रिडक्ट हो गए तो कितना बना, ठीक है, तो रिडक्ट होके कितना बना, 6. तो आपके पास बचे हैं 80 मिनट, राइट. अब 80 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये 40 कब सॉल्व करेंगे. तो स्पीड बहुत चाहिए, नो डाउट.
ठीक है, स्पीड बना के चलेंगे। अभी आप मॉक लगाएंगे, आप फील करके देखेंगे, अपनी हैंड की स्पीड बनाएंगे, अपनी आई शार्पनेस को तेज करेंगे, ताकि हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कैसे एक वर्ड पकड़ें और उससे हम उस वर्ड से हम कैसे आंसर तक पहुँचे, एलिमिनेशन कैसे करें, मेथड कैसे यूज़ करें, फटाफट से जो आंसर है। ज़रूरी नहीं हम क्वेश्चन पूरा पढ़ें, टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। सो ये थी तो थी थोड़ी सी स्ट्रेटजी कि आप एलिमिनेशन मेथड के ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, आप देखिए और छाटिए, क्वेश्चन में एक वर्ड पकड़िए कि ये वर्ड है तो ये आंसर होगा इस तरह से। तो ये कब आता है, जब आप अच्छी तरह से उस थ्योरी को जानते हैं और उसका निचोड़ आपके दिमाग में होगा, तब ही आप उस एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। कोई एलिमिनेशन मेथड ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं और एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लिया, नो, इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन योर नॉलेज, ओके। सो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद में पढ़ लिया, बट क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, कई बार थ्योरी पूरी पढ़ ली आपने, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, आपने पूरा प्लेटो पढ़ लिया, पूरा एरिस्टोटल पढ़ लिया, आप नहीं जानते कि उसने किस बारे में बात की है, ठीक है, आपको पूरा पता है, मतलब सॉरी, आपको पूरा पता है कि आपने क्या क्या पढ़ा उसमें, लेकिन आपको उसके की कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो क्वेश्चन पढ़िए, आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसका कीवर्ड क्या है, उसी को पढ़िए और आंसर को टारगेट कीजिए। दिस इज़ द मेथड, है ना। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या बात करेंगे, नेक्स्ट ये है कि कौन से सब्जेक्ट आएंगे। देखिए इस 40 मार्क्स में आपके पास कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जीएस, ठीक है, जीएस मींस वेरी वाइड, नॉट कि आपने करंट अफेयर पढ़ लिया तो चल गया। तो पहली बात, डेली करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर डेली पढ़ेंगे, ठीक है, डेली के नोट्स बनाइए और थोड़ा थोड़ा उसको, जैसे मान लीजिए आपने सुबह उठे, आप तभी थोड़ा सा रिवाइज़ कर लीजिए, 15 मिनट 20 मिनट जो भी इम्पॉर्टेंट खबरें होंगी उसको देख लीजिए। सोने से पहले आप उसको एक किसी भी टेलीग्राम चैनल को, चाहे किसी चीज़ को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे करंट अफेयर के सॉल्व वो दे देते हैं, आप वहाँ से थोड़ी सी रीडिंग कर लीजिए, अगर आपकी एक आधी वीडियो में से छूट गई है तो आपका वहाँ से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। नो न्यूज़पेपर, नो टीवी चैनल, ओनली फोकस्ड ऑन द योर टेलीग्राम पे आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, या कहीं भी आपको ऑनलाइन, चाहे आप किसी भी कैप्सूल्स जो भी अवेलेबल होते हैं गूगल पे, उनको रीड कीजिए और वीडियो देख लीजिए। वीडियो से आपकी विजुअल अपीयरेंस रहेगी और ऑडियो आप जब देखेंगे तो ऑडियो और विजुअल दोनों काम करेगा, और थोड़ा सा स्पीक कर लीजिए तो आपको वो सारा कुछ कैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप क्या पढ़ेंगे, देखिए जो पक्का ही आना है उनको तो कर ही लीजिए, तो डेमोग्राफिक, ठीक है, आप ना थोड़ा सा उसको देखिए कि जो जनसंख्या का जो चलता है ना, जनसंख्या वाला आप देखिए और उसको जो फैक्ट्स हैं यूपी से रिलेटेड जो फैक्ट है उनको रट लीजिए, पक्का आएगा तो क्यों छोड़ना, ठीक है। उसके बाद में मैथ में हो सकता है किसी का हाथ ढीला हो, तो आप रीजनिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके थोड़े टॉपिक होंगे, ठीक है, अभी मैं बता दूंगी उसके बारे में भी, तो आप उनको क्लियर कर लीजिए, रीजनिंग पे हाथ डालिए, ठीक है, क्लियर हो गया। देन उसके बाद में आता है कि आपको यूपी की जो आपकी यूपी की जो है मतलब जानकारी आपको है, वो यूपी स्पेशल तो आपको करना ही है कि यूपी से जो भी जानकारी है, जो भी उन्होंने कहा है रहन सहन यूपी की, जो भी सभ्यता उसके वाइल्ड सेंचुरीज, जो भी वहाँ वन्य अभ्यारण जो भी है, वो सब आप अच्छे से ये इस पे कमांड बना लीजिए। जी जनरल स्टडी में आपका यहाँ से नंबर बनेंगे डेफिनेटली। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एनालाइज किया है, करंट अफेयर बहुत आता है, डेमोग्राफी के नो डाउट अगर एक आधा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बनेगा, तो ये आपकी मेरिट को उठाने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। और रीजनिंग आप प्रैक्टिस, देखिए इसके दो चार हैं रीजनिंग के, ठीक है, टॉपिक, आप क्या कीजिए उनको अच्छे से प्रिपेयर करके और उसके बाद में आप उनको प्रैक्टिस रोज कीजिए, इसका यही इलाज है, ठीक है। उसके बाद में आपको
जो करना है यूपी, यूपी के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, रीजनिंग ठीक है। उसके बाद में क्या आता है कि जो हमारा है क्या क्या हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ठीक है, हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में आता है ज्योग्राफी ठीक है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी ठीक है, एंड इकोनॉमी ये आता है। और आपको अप टू 10th लेवल जो NCERTs हैं उनसे आपको हेल्प मिलेगी नो डाउट। बट NCERT कई बच्चे बोरिंग लगता है, नहीं पढ़ते हैं, सो नो डाउट इट इज़ बोरिंग, बट आप वीडियोस देख सकते हैं इसके लिए ठीक है। आप इसके लिए वीडियोस देख सकते हैं और आप क्या कीजिए, इनमें से ना किसी का इकोनॉमी नहीं अच्छा होगा, किसी किसी बच्चे का, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, किसी का बहुत अच्छा होगा किसी का नहीं अच्छा होगा। अच्छा जिसको इकोनॉमी, अब किसी का हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं होगा मान लीजिए, तो आप इनमें से इन चारों में से कोई दो तो बहुत अच्छे करके जाएंगे, पॉलिटी बहुत अच्छे से कर लीजिए, या हिस्ट्री में इंटरेस्ट है हिस्ट्री को अच्छे से कर लीजिए, या ज्योग्राफी को अच्छे से कर लीजिए ठीक है। देन आप क्या करेंगे, अभी हम आएंगे साइंस के ऊपर। तो साइंस के ऊपर क्या करेंगे, साइंस में क्या है, साइंस में क्या आता है आपका, साइंस के अंदर जो भी सब्जेक्ट आते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट आता है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट आता है ठीक है, थोड़ा सा बायो का पार्ट आ जाता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एनीथिंग लेफ्ट तो वो थोड़ा सा देख लीजिए। और या साइंस में ही हम इकोलॉजी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इन्वायरमेंट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इन्वायरमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो भी एक्ट्स लग रहे हैं जैसे कि गंगा के ऊपर क्या हो रहा है, या आपकी जो भी नदियां हैं यमुना के ऊपर क्या हो रहा है, तो ये तो आपका यूपी के अंदर भी कवर होगा, करंट अफेयर के अंदर भी कवर होगा, लेकिन क्वेश्चन वो आपको ऐसा लगेगा कि साइंस का आ गया ठीक है, लेकिन होगा जनरल नॉलेज का। सो जनरल नॉलेज का बहुत अच्छे से थोड़ा सा पीछे तक का 6 महीने तक का रिव्यू करके चलिए कि क्या इम्पोर्टेंट यूपी के नज़रिए से, जैसे कि यूपी में अभी एक नेशनल पार्क बना है ठीक है, या कुछ कोई रामेश्वर साइट बनी है ठीक है, या फिर यूपी की जो है इस साल किस किस में यूपी विनर रहा है, लाइक यूपी को बिजनेस रिपोर्ट यूपी की क्या रही है, तो इस तरह की चीज़ें आप कवर करके चलेंगे ओके। देन किसी का जैसे कि मैंने कहा अब मैथ, जिसका मैथ अच्छा है वो तो ऑब्वियसली इसमें बाजी मारेगा, और जिसका मैथ अच्छा नहीं है ऑब्वियसली वो इसमें डाउन जाने वाला है, लेकिन आप अपने ऊपर देखिए क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं टफ आ रहे हैं, अब थोड़ा बहुत जैसे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत इसको मान लीजिए आप लास्ट के दिनों में थोड़ा बहुत करिएगा, 2-4-5 हफ्ता दे दीजिएगा, तो मेन मेन जो क्वेश्चन है वो करके देखिएगा कि सिंपल सिंपल, ताकि हम एक आधा अगर आ जाए बाय चांस तो हम सॉल्व कर पाए ओके। देन वी टॉक अबाउट एज आई टोल्ड यू इकोनॉमी, तो वो भी आपका अगर सब्जेक्ट होगा तो आपको इजी रहेगा, नहीं तो नहीं। और इकोनॉमी के अंदर आप इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे से पढ़िएगा ठीक है, इंडियन इकोनॉमी कैसी चल रही है, इस साल तो बुरी हालत हो गई है, डाउन चली गई है कितने परसेंट, जैसे रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग कितनी डाउन गई है, या फिर आप कहेंगे कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ने क्या रिपोर्ट दी है, सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स दी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे ओके। सो इसके अंदर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिलेबस है क्या क्या, एक्चुअली में एक्चुअली क्या क्या सिलेबस है, तो ये सारा मैंने जो है जनरल का स्टडी का स्ट्रेटजी डिस्कस की है ठीक है। अभी हम देखते हैं अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर अंदर सिलेबस क्या क्या आता है ठीक है, देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या है। देखिए इन्होंने दे रखा है कि आपको सामान्य विज्ञान आएगा, जैसा कि मैंने बताया सामान्य विज्ञान में यही है कि
यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेट इट। सामान्य विज्ञान मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। एज यू नो इसको साइंस बोलते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, हिंदी में हिंदी वाले हो जाते हैं इंग्लिश में, डोंट कन्फ्यूज, ठीक है। तो ये हो गया, अभी नेक्स्ट क्या है कि भारत का इतिहास। देखिए भारत का इतिहास पढ़ना है, वर्ल्ड का इतिहास नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। सो ये थोड़ी थोड़ी आपको एडवांटेज भी मिली है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आंदोलन में क्या है ना कि जो आंदोलन है वो आपके इतिहास में ही आ जाएंगे। कौन सा आंदोलन कब हुआ, 1857 का कब हुआ, या फिर 1947 में क्या हुआ, या फिर जो भी आंदोलन हुए, जैसे कि एक नेताजी सुभाष चंद्र ने कौन सा आंदोलन किया, या गांधी जी ने कितने आंदोलन किए, ये चंपारण आंदोलन हो गया, दांडी मार्च हो गया, कितने आंदोलन किए ना, वो सब इतिहास के अंदर आए। तो जब आप इसको पढ़ने चलेंगे ना, आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, यस, तब इसके अंदर ये सारे नेशनल मूवमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगी, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विज्ञान हो गया, तो आप ये लगा के चलिए कि ये सेक्शन आप क्लियर करके जाइए, इतिहास पढ़ के जाइए, ठीक है। इतिहास पढ़ने का फ़ायदा ये होगा आपके दो सेक्शन कवर होंगे, इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। देन आपका आता है भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। भारत का राजतंत्र यानी कि पॉलिटिक्स, ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, और उसकी संस्कृति क्या थी, क्या जो भी संस्कृति थी हमारी वो सब। फिर ये इकोनॉमी का पार्ट आ गया कि कृषि भारत की कैसी है, वाणिज्य कैसा है, 80% या 70% जो जनसंख्या हमारी क्या करती है। अभी कृषि आंदोलन बहुत जोरों पे है, तो मे बी कृषि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। वाणिज्य वही MSP का रौला चल रहा है, जो भी शोर शराबा चल रहा है, तो उस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से डालेंगे, वही करंट अफेयर अगर आएगा तो इसमें भी इंक्लूड हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर आपको फोकस करना है कि विश्व का भूगोल पूछा है, ठीक है, और फिर भारत का भूगोल भी पूछा है, यानी विश्व का भूगोल भी पूछा है और भारत का भूगोल भी पूछा है, यहाँ पर आपको दोनों पढ़ने हैं। अब आप इसको स्किप कर दीजिए, या जिसकी अच्छी है ज्योग्राफी वो कर जाइए, वो डिपेंड करता है। या प्राकृतिक संसाधन आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे, ये आपको क्लियर करके जाना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर ज़्यादा है, भारत किस में आगे है, लाइक इस तरह की चीज़ें। तो आधुनिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना, ये आपका करंट अफेयर हो गया, ठीक है, कि करंट अफेयर हो गया कि आधुनिक राष्ट्र में क्या चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं कि अभी राष्ट्रपति कौन बना है ना अमेरिका का। और सामान्य बौद्धिक और तार्किक, ये आपका मैथ का पोर्शन हो गया, ओके। तो इसमें क्या आपको वही रीजनिंग, तार्किक क्षमता बोलते हैं रीजनिंग को, और सामान्य बौद्धिक जो आपकी मैथ वगैरह हो गया ना, ये सब पूछेंगे आपसे। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट जो है, ये आप करके जाएंगे, इसको नहीं छोड़ सकते आप। इसकी करंट अफेयर और इसका रहन सहन, प्रथाएं, इसके डांस, इसकी संस्कृति, इसकी कृषि, उद्योग, व्यापार, एवरीथिंग यू हैव टू कीप इन टच विद ऑल ऑफ दिस, ओके। नेक्स्ट कि प्रारंभिक गणित, गणित आपने 8वीं कक्षा तक का करके जाना है, ठीक है। हाँ, गणित आप करके जाएंगे 8वीं कक्षा तक का, उसके अंदर अंक गणित है, बीज गणित है और रेखा गणित है। तो आप क्या करिएगा, आपका जो अच्छा है, किसी का रेखा गणित अच्छा होगा, किसी का अंक गणित, और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चों का, ठीक है, अंक गणित अच्छा होगा, रेखा गणित ईजी है, बट किसी का अच्छा होगा किसी का नहीं होगा, तो ये आप देख लीजिएगा मैथ का क्या करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण, वही इन्वायरमेंट आ गया कि आपको इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इंग्लिश के बारे में आपको
बहुत अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है। तो आप इसकी स्ट्रेटजी क्या रखेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको कैसे पढ़ें। तो आप एक बात देखिए यहाँ पर कि जो है डिकेंस, थॉमस हार्डी, डब्ल्यू बी जीट्स, टी एस एलियट, जी बी शॉ, जॉर्ज ऑरवेल, इसके अंदर जो इंग्लिश का सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड किया है। अब इंग्लिश को सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइड तो कर दिया, बट सेक्शन ए इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ए एंड बी। अब ऑथर है, वर्क्स है, लिटरेरी टर्म्स हैं, क्रिटिसिज्म है और ग्रामर है, कैसे पढ़ें। ओके सो इसके लिए जो आपका वे है ना, वो इस तरह से चलना चाहिए कि आप डिस्ट्रीब्यूट करके चलिए। देखिए, एक ग्रामर का पार्ट उठाइए, एक एक दिन में आप एक ग्रामर का टॉपिक पढ़ लीजिए। एक दिन में आपसे ना भी हो पाए तो 2 दिन में पढ़ लीजिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो मे बी सबके क्लियर ही होंगे। ठीक है, 10th में पढ़ी हैं, +2 में पढ़ी हैं, अभी कितना पढ़ोगे, अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, एक बार एक दिन थ्योरी पढ़ लो, एक दिन आप उसकी जो आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है ना। और फिर आप क्या करोगे कि एक आप टर्म समझो, वो टर्म किसके पीरियड की है। जैसे कि मान लीजिए आप रेनेसा पढ़ोगे, तो रेनेसा जो है वो शेक्सपियर के टाइम पे थी। तो रेनेसा जब हम पढ़ेंगे ना, उसकी जब आप उसको एक लिटरेरी फॉर्म और मोमेंट के तौर पे पढ़ेंगे, ठीक है, लिटरेरी टर्म्स के तौर पे पढ़ेंगे, तो आपको उसमें पहले ही पता लग जाएगा कि ये राइटर इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, हमने उसको उसको पढ़ना है। तो जैसे आपने रेनेसा पढ़ा, तो आप उसको ही पहले कवर कर लेना, उसके अंदर शेक्सपियर आ जाएगा, जॉन मिल्टन आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से पढ़ लेंगे। आप जब पढ़ेंगे, जैसे कि आपने मेटाफिजिकल पोइट्री पढ़ा, तो उसको अंदर आपको पता लग गया कि मेटाफिजिकल पोइट्री पूछ रहा है, तो उसके अंदर कौन कौन आ जाएगा। देखो, ड्राइडन ने इसके बारे में थोड़ी सी बात की है, जॉन डन ने इसके बारे में बात की है, लेकिन चलना तो सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। तो उसके बाद में आपको दे रखी है, जैसे कि आपने पहले ये क्लियर कर लेना अपने टर्म्स थोड़ी थोड़ी। जैसे कि आपने सोनेट पढ़ लेना, सोनेट क्या होते हैं, सोनेट कितने टाइप्स के हैं, सोनेट किसने दिया है। जैसे सोनेट पेट्रार्क ने दिया है, शेक्सपियर इन सोनेट है ना, और अपने हैं स्पेंसर ने दिया है। तो ये 3-4 तरह के जो भी सोनेट है, आपको पता होना चाहिए सोनेट होता है क्या है, सोनेट में कितनी लाइन होती है, सोनेट की राइमिंग स्कीम्स क्या होती हैं, ये सब एक दिन पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसी दिन आप कोई भी इस ग्रामर का टॉपिक उठाइए और उसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। आपको तसल्ली रहेगी कि आपका सब कवर हो रहा है, अदरवाइज टेंशन में कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा, आप सिर्फ सोचते रह जाओगे। तो उसके बाद में हम जैसे कि आपने लाइन से अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले तो वैसे फिर जॉफरी आप ये टर्म्स क्लियर कीजिएगा पहले। ठीक है, टर्म्स, मूवमेंट्स और फॉर्म्स ये जो हैं आप ये क्लियर कीजिएगा कि आपने सोनेट पढ़ लिया, बैलेट पढ़ लिया, मोकैपिक पढ़ लिया, एलिगी पढ़ लिया, आपकी आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो आपने फिर प्री रेफलेट्स देख लेना, पीरियड्स थोड़ा सा आपको नेट पे वीडियोज़ मिल जाएंगी, बट आपको सर्च करना पड़ेगा इंडिविजुअली। थोड़ा सा सर्च पहले वीडियो देखिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, फिर आप उसको नेट पे सर्च कीजिए। ठीक है, जो गूगल पे मिलेगा उसको सर्च किया, उसके बाद में आप उसको नोट्स बनाइए और फिर से वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने क्या देखा और क्या पढ़ रहा हूँ मैं, अगर टाइम है तो इस तरह से पढ़े अपने आप। जॉफरी चौसर है, शेक्सपियर है, जॉन मिल्टन है, ड्राइडन है, पॉप है, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, पी बी शेले, जीन कीट्स, जॉन कीट्स, ए एल टेनिसन है, एर्नोल्ट है, डिकेंस है, हार्डी, येट्स, एलियट, शॉ, ऑरवेल। इसको देखिए डिक्टेट करके तो कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बता ही देती हूँ। तो आपने पहले क्या पढ़ना है, आप उठाइए ही, आप सोनेट, बैलेट, एपिक, एलिगी, ये 4 चीज़ें उठाइए, एक दिन में पढ़िए इसको, एक दिन में इसको पढ़ डालिए। ठीक है, ये हो जाएगा आराम से एक दिन में। अब आप क्या कीजिए कि कोई अगले दिन आप एक्टिव पैसिव वॉइस उठा लीजिए,
आप पढ़ लेंगे, एक दिन में आप ये कवर कर सकते हैं और एक दिन में आप ये कवर कर सकते हैं इजीली, और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। देन आप क्या करेंगे कि आप इनमें से कुछ उठा लीजिए, जैसे आपने रेनेसन और आप कुछ पढ़ लीजिए, जैसे कि आप मेटाफिजिकल पढ़ लीजिए, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, समझिए उसको क्या है, थोड़ा नोट डाउन कीजिए, वीडियो देखिए और गूगल पे सर्च कीजिए। फिर आप अगले दिन थोड़ा सा रोमांटिसिज्म का देख देंगे कि उसके अंदर नेचर की बात की गई है, किस तरह से कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ इसके अंदर है, ठीक है। मेटाफिजिकल के अंदर कौन कौन आता था, ड्राइडन डन था, तो रेनेसन के अंदर कौन कौन था, क्या क्या पीरियड्स। देखिए आपको बहुत सी वीडियो मिलेंगी, बट सर्च करना पड़ेगा। जब आप सर्च करने लगेंगे आपका लैब बनेगा, तो जब आप इसको राइट डाउन करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट द टारगेट, यू विल अचीव द टारगेट। ओके, क्लासिसिज्म, ये सब मेरा जो मेरी मेरी राय है, जो पर्सनली प्री रेफेलाइट ब्रदर्स जो थे उनके बारे में पढ़िए, आप मॉडर्न लिटरेचर पढ़िए, स्टेंजा फॉर्म्स, मेजर स्टेंजा फॉर्म क्या क्या होती हैं वो पढ़िए, हो गया। अब आपको ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि मैंने ये कम से कम पढ़ लिया, ये आप 7 दिन में हार्डली ये वाला सिलेबस इतना जो फॉर्म्स आप कवर कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर लीजिए, जैसे पैसिव हो गया, आप इसमें ना आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रखा है, नरेशन हो गया, ये एक एक दिन के टॉपिक हैं, आप इनको कर सकते हैं। फिर जब आप ये कर लेंगे ना, तो आपको बहुत सी, जब आप इन राइटर्स को करेंगे, जो भी आपके उसके बीच में आते जाएंगे ना लिटरेरी टर्म्स, आप उनको कवर करते जाइए। जैसे उसके बीच में ऑड आ जाएगा, ठीक है, सटायर आ जाएगा, और जैसे प्रॉब्लम प्लेस आ जाएंगे, तो आप इन सबको कवर करते हुए चलिए, पैथेटिक फैलेसी आ जाएगा, ठीक है, इनको कवर करते हुए चलेंगे। फिर आप क्या करेंगे कि आप एक एक राइटर को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नो डाउट राइटर्स बहुत हैं, बट आपने थोड़ा बहुत पहले भी डेफिनेटली पढ़ा होगा, और इस तरह से आप अपना सिलेबस जो है वो देख लीजिए। आप हार्डी डिकेंस, इनके मेजर वर्क्स कर लीजिए, इनकी लाइफ जो हिस्ट्री है जो वो पढ़िए थोड़ा सा, इनके वर्क नोट डाउन कीजिए, उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए विद ईयर, ठीक है, इनके ईयर पढ़ने की कोशिश कीजिए, और अपने इनके इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो होते हैं ना, आपको मिल जाएगा इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट वर्क्स, वो पढ़िए, बस इतना पढ़िए। और उनके फिर आगे ईयर्स याद कीजिए, नोबेल प्राइज इनमें से किसको किसको मिला है वो पढ़िए, इनके अवार्ड्स जो भी इनके अवार्ड होंगे, जैसे साहित्य अकेडमी इंडियन राइटर्स को मिला है वो पढ़िए, फिर इनको जो भी पद्मश्री पद्म भूषण जो हमारे इंडिया के हैं वो मिला है, ओके। देन आपको इनमें से जैसे कि शेक्सपियर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कीट्स को पढ़िए, कीट्स की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़िए, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पे फोकस कीजिए, ओके। और फिर आप ग्रामर पे फोकस कीजिए, देखिए ग्रामर क्रैम तो की नहीं जा सकती, तो आप उसको थोड़ा सा समझिए, पैसेज को 2, 4, 5, 5 और 10 आप दो दो दिन के गैप में, 3 दिन के गैप में आप एक एक पैसेज सॉल्व करके देख लीजिए, आपका इस पे हाथ साफ हो जाएगा। पैसेज करने का तरीका यही है कि आप एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, उसको आप कहीं भी साइड पे रफ पे लिस्ट बना लीजिए कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, मुझे ये फाइंड आउट करना है, फिर आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको जो जो वर्ड मिलता जाए आप वहाँ वहाँ पे टिक करते जाइए, देन आप जब सेकेंड रीडिंग करेंगे ना, आपको आंसर फटाफट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिस इज़ द स्ट्रेटजी टू कंप्लीट द कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंस में तो सब कुछ आ जाएगा। देखिए करेक्शन किसकी, नाउन की कर लो, राउंड की कर दो, वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, एरर डिटेक्टिंग है ना, थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स करवाए होते हैं जो एग्ज़ाम्स में आए होते हैं प्रीवियस ईयर में, उन पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, और थोड़े से जो आप ट्रेंड देखिए क्या चल रहा है उसके हिसाब से सिनोनिम एंटोनियम होमोनिम राइट, ये सब चीज़ें, इडियम ऑफ फ्रेज, ये तो नंबर्स चीज़ें हैं, इनको आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट यस वो कैबलरी का पार्ट है ये, बट आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे तो मे बी आपके एक दो नंबर यहाँ से अच्छे आ जाएँ। प्रेपोजिशन थोड़ी सी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन जैसे ऑफ टू
इनको अच्छे से करके जाइए फ्रॉम, ठीक है, प्रीफिक्स फिक्स होता क्या, और फिगर ऑफ स्पीच, यस दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि ये फिगर ऑफ स्पीच आप करके जाएंगे। फिगर ऑफ स्पीच जो भी होती हैं, जैसे कि आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए, थोड़ा बहुत बेसिक जो होती हैं फिगर स्पीच उनका आइडिया लेके चलिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एलिट्रेशन, एलिट्रेशन हो गई, एसोनेंस हो गई, इन सबको आप एक रफ लिस्ट में तैयार करके इनको देखिए कि इनके अंदर क्या पूछ रही हैं। फिर मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्रिटिसिज्म बहुत किया है, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। एलियट ने क्या क्रिटिसिज्म के ऊपर, जो उसके मेजर वर्क्स हैं जैसे कि मेटाफिजिकल पोइट्री, उसने उसमें हेमलेट के बारे में क्या कहा। फिर आपका जो भी आता है आप उसको अच्छे से एक बार गो थ्रू हो जाइए, आई अश्योर यू कि आप बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अचीव नहीं कर पाएंगे, बट या अ लिटल हार्ड वर्क विल डेफिनेटली विल बी बेनिफिशरी फॉर यू। सो कीप हार्ड वर्किंग। इफ एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। ऑलराइट, डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ, डोली स्टोर टाइम टू रीड समथिंग ऑफ योर सिलेबस, डू नॉट फोकस ऑन अदर थिंग्स टिल देन योर एग्जाम, एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रिपेयरिंग नोट्स टिल देन। अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ कि आप कहाँ से क्या पढ़ें। देखिए, आप सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ट्वेल्थ की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी, ओके, यहाँ पे ईआरटी, और आप एट्थ का मैथ पढ़ लीजिए। एट्थ तक का मैथ तो क्लियर ही होना चाहिए आपका, राइट। देन आप किसी भी अच्छे यूट्यूब को फॉलो कर लीजिए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए उसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए अपना। और आप किसी भी अच्छी बुक को जो आपको अच्छी लगती है, जैसे कि एसके अग्रवाल, अग्रवाल की बुक है, किरण पब्लिकेशन की बुक है, अरिहंत की बुक है, आपको जो अच्छी लगती है आप वहीं से पढ़िए, लूसेंट्स की हैं, ओके। और देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश के सेक्शन में टोटल हमारे 25 राइटर्स हैं, ओके, और किसी को भी छोड़ के नहीं जाएंगे आप। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए, तब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्योंकि इसमें से आप इतने 25 पढ़ के जाएंगे, आपको सब याद तो होगा नहीं, तो सब थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाएंगे ताकि हम वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। उसमें से 50 ब्रिटिश हैं, ओके, और 3 अमेरिकन हैं और 7 इंडियन हैं। आप क्या करेंगे, इनके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस रखेंगे, ठीक है। अमेरिकन आप अपने दिन की तसल्ली के लिए पहले ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम है नंबर में, और ब्रिटिश में आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से, जैसे कि इलियट, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ एंड टैगोर, एरिस्टोटल, येट्स, ड्राइडन, ओके, चौसर की जैसे आप कैंटरबरी टेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, मिल्टन का आप मिल्टन के जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट वो, ठीक है, और इंडियन में सबको पढ़ के जाएंगे, और कॉलरिज का बायोग्राफी, लिटरेरी, फैंसी, इमेजिनेशन क्या है, तो इन सबको आप कवर करके जाएंगे, ओके। सो और आप ग्रामर में, या ग्रामर में कैसे करेंगे, ग्रामर में आपके पास है पैसेज, आप पैसेज की तो रिवीजन ही करिए अच्छे से, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और आप करेक्शन ऑफ सेंटेंस देखिए, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, करेक्शन ऑफ जो सेंटेंस है ये आप जब बाकी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें से ये कवर होगा आपका, आपको उसमें से करेक्ट करना है ना। आप नरेशन कीजिए अच्छे से, वॉइस कीजिए, ओके, आप फिगर ऑफ स्पीच कीजिए,
थोड़ा सा आइडिया लीजिए उसको, कम से कम जितने भी होंगे 100, जितने भी होंगे नंबर्स हैं, बट आप एक डिवाइड कर लीजिए कि मुझे इतनी पढ़ के जानी है, लाइक 50 पढ़ के जानी है, तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट 50 निकालिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं ज़रूर करा रखी होंगी यूट्यूब पे भी, वहाँ से कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा प्रीफिक्स फिक्स का आइडिया ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इम्पोर्टेंट सिनोनियम पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट एंटोनियम पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वन वर्ड पढ़ लीजिए, क्योंकि इनकी तो कोई सीमा नहीं है। हाँ, वन वर्ड आप सब कर सकते हैं, इडियम्स कर लीजिए, और अरे इन जंबल सेंटेंस, ये सब आपको आप करेंगे प्रैक्टिस के साथ में, इसमें थोड़ा सा गो थ्रू हो जाइए इन सब के साथ, तब क्या आपको प्रॉब्लम ना रहे। होमोनिम्स मीन्स होमोनिम, होम मीन्स सेम, नाइम मीन्स नेम, जिनका नेम सेम हो, राइट। और इसी तरह से आपकी, अब मैं विराम लेना चाहूँगी, अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बिना टेंशन के, क्योंकि सबकी हालत उतनी ही ख़राब होती है पेपर के टाइम पे, जितने की एक जिसने बहुत पढ़ा है या जिसने नहीं पढ़ा है। सो आप भी उनके बराबर हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, और हो सकता है कि क्वेश्चन वो आए जो आपने पढ़ा है। सभी पॉजिटिव, एंड इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करती हूँ। धन्यवाद आप सभी का। ओके, टेक केयर।